मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। महाराष्ट्र में सियासी नाटक अब थमता हुआ नजर आ रहा है। आखिरकार शिवसेना और एनसीपी कांग्रेस की अब गठबंधन वाली सरकार बनने जा रही है। उद्धव ठाकरे को महाविकास आघाड़ी का नेता चुन लिया गया है। उद्धव ठाकरे को गुरुवार को राज्य के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। उद्धव ठाकरे ने गवर्नर से भी मुलाकात की है। वहीं संजय राउत ने भविष्य में पार्टी की रणनीति को लेकर इशारों में बड़ा संकेत दिया है। संजय राउत ने ट्वीट कर कहा है कि अभी तो इस बाज की असली उड़ान बाकी है, अभी तो इस परिंदे का इम्तिहान बाकी है, अभी अभी मैंने लांघा है समुंदरों को, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। विधानसभा चुनाव से ही संजय राउत इस बात का दावा कर रहे थे कि महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री शिवसेना का ही होगा, मगर अब महाराष्ट्र के बाद शिवसेना की नजर दिल्ली पे है। क्या कहा है संजय राउत ने? मेरी जवाबदारी जो मिशन था वो मिशन पूरा हो गया। मैंने कहा था, आपको याद होगा, कि हमारा सूर्ययान मंत्रालय के छठे मंजिल पर सेफली लैंड करेगा। ये मैंने कहा था, तब लोग मुझ पर हंस रहे थे, चेष्टा कर रहे थे, लेकिन हमारा सूर्ययान एकदम सेफली लैंडिंग उसका छठे मंजिल पर मंत्रालय पर हो गया है। और ये सूर्ययान अगर आने वाले समय में दिल्ली में भी उतरे तो आपको आश्चर्य नहीं होगा। शिवसेना एनसीपी कांग्रेस अब राज्य में 28 नवंबर यानी कल महाराष्ट्र में गठबंधन वाली सरकार बनाने की तैयारी में है। तो तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए प्रहार टाइम्स। ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप फेसबुक पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।